बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम शीर खुरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शीर खुरमा और ईद, ये दोनों इतने गलत मलत है, मिले हुए हैं कि लगता है कि शीर खुरमा है तो ईद है और ईद है तो शीर खुरमा है। और शीर खुरमा यानी कि शीर यानी कि दूध और खुरमा यानी कि खजूर। तो खजूर और दूध, ये दो चीज़ मिला के ही शीर खुरमा पहले ज़माने में बनता था। यानी कि दूध जो है उसमें छुहारे पका दिए जाते थे और कहा जाता था कि ये शीर खुरमा है। लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें चीज़ें ऐड होती गई, लवाजमात बढ़ते गए और आज जो शक्ल है वो है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारा जो है मावा, कंडेंस मिल्क और पता नहीं क्या क्या, ज़ाफ़रान, केवड़ा वाटर, इलायची पाउडर और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मिला के जो है शीर खुरमा तैयार किया जाता है। और जितनी चीज़ें मिलाई जा रही है शीर खुरमे की लज्जत उतनी ही बढ़ती जा रही है। हर घर में अलग अलग मुख्तलिफ तरीक़ों से शीर खुरमा तैयार किया जाता है। कहीं नारियल डाला जाता है, कहीं खशखश डाली जाती है, कहीं पर जो है बहुत सारे अलग अलग जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं जिनको वो डालते हैं और वो बनाते हैं। आज हम हमारे घर के तरीके से आपको जो है जैसे हमारे घर में बनता है वैसा शीर खुरमा आपको बना के बता रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो लिया है वो एक लीटर फुल फैट मिल्क है, दूध है, इसे हमने जोश दे दिया है और ये थोड़ा ठंडा हो गया है अभी। इसके अलावा हमने ली है यहाँ जो है सिवैयाँ ली है। सिवैयाँ जो है ये 100 ग्राम है, इसको हमने बारीक चूरा कर लिया है। ये शक्कर है, ये 200 ग्राम शक्कर है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। ये बादाम है, इसे हमने बारीक टुकड़ों में, बारीक बारीक मतलब स्लाइस में काट लिया है। ये किशमिश है, ये 25 ग्राम के करीब है। ये बादाम जो है ये 50 ग्राम के करीब है। और ये हमने लिए छुहारे यानी कि खजूर यानी कि खुरमा। ये खुरमा जो है हमने भिगा दिया था और इसे हमने बारीक कट कर लिया है। किशमिश और ये खजूर जो है या छुहारे जो है इसको हम क्या करेंगे, अलग से फ्राई करके रख देंगे और बाद में मिक्स करेंगे, क्योंकि ये शीर खुरमा जो है इसका दूध जो है ये जो है किशमिश की वजह से कभी कभी खटास से फट जाता है। तो इसको हम बाद में गार्निशिंग करके जब सर्विंग का टाइम होता है तब डाल के देंगे, इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। पिस्ते हैं, इसे भी हमने स्लाइस में काट लिया है। बादाम, पिस्ता, चारोली हमने इसको भिगो दिया था रात में और फिर बाद में इसको साफ कर लिया और इसको बारीक काट लिया, छील कर और फिर काट लिया है। ये चिरौंजी है, ये हमने जो है 25 ग्राम लिए, इसे भी हमने साफ किया, धोया और इसके छिलके अलग कर लिए हैं। ये घी है, देसी घी है, ये 100 ग्राम है, जितना ज़रूरत होगी उतना डालेंगे, अगर ज़रूरत हो तो पूरा डाल देंगे और वरना थोड़ा बचा लेंगे। ज़ाफ़रान है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं है। इलायची को हमने इलायची के दाने निकाल के थोड़ी शक्कर डाल के इसको मिक्सर में से पीस लिया है। बहुत से लोग पानी का यूज़ नहीं करते शीर खुरमे, कहते हैं कि शीर खुरमा ख़राब हो जाता है या अच्छा नहीं बनता, लेकिन हम जो है पानी से ही पकाएंगे, सिवैयों को गलाएंगे पानी डाल के ही और उसके बाद में जो है दूध मिक्स करेंगे। और ये शीर खुरमा जो है बिल्कुल हैवी नहीं होता है, बहुत लज्जत वाला होता है, बहुत अच्छा होता है, हाजिम होता है और ये है कि हमारे बजट में भी बन जाता है। और इधर ड्राई फ्रूट भी इसमें से आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप ना ही डालो, कम डालोगे तो भी चलेगा, थोड़े से भी डालोगे तो चलेगा, या सिर्फ शीर और खुरमा यानी खजूर और दूध लेकर भी बनाओगे तब भी चलेगा। तभी हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने यहाँ पर एक देगची रख ली है चूल्हे पर और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। गैस की देगची जो हमारी गर्म हो गई है, अभी हम इसमें घी डालेंगे। एक ही बार में हम घी डाल देंगे सारा, थोड़ा सा घी हम इसको ये जो है किशमिश और खजूर को फ्राई करने के लिए रखेंगे, बाकी का सारा डाल देते हैं। घी थोड़ा गर्म हो जाए तब हम उसमें इलायची पाउडर डालेंगे। एक ही हांडी में बनेगा हमारा, ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगते हैं और बहुत अच्छा बनता है ये। अलग अलग फ्राई करना नहीं है, अलग अलग डालना नहीं है सारी चीज़ें। थोड़ा मीडियम कर देते हैं फ्लेम को, घी को भी जलाना नहीं है, घी को भी बस ये मेल्ट हो गया उसके बाद में फ़ौरन शुरू कर देना है काम, वरना क्या होता है कि घी भी जो है जल जाता है तो फिर जो है जायके में फ़र्क आ जाता है। ये हो गया हमारा, अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब ये चारोली, और ये बादाम, तो फ्राई करना है, थोड़ी आँच स्लो कर देते हैं, जलाना नहीं है, तो फ्राई करना है थोड़ा सा, ये ऐसे फ्राई हो जाए उसके बाद में हमको क्या करना है कि इसमें सिवैयाँ डाल देंगे। इस तरह से फ्राई करने से क्या होता है कि ऊपर आ जाते हैं और जो लोग बोलते हैं कि गार्निशिंग करना है तो ये गार्निश अपने आप ही हो जाता है, बादाम पिस्ते जो है ऊपर तैरने लगते हैं, अगर फ्राई नहीं करोगे तो नीचे बैठ जाए।
मीडियम करते हैं। थोड़े से बादाम पिस्ते हम इसमें से निकाल लेंगे, थोड़े से निकाल लेंगे, फ्राई होने के बाद निकालते हैं। अब इसी में हमको सेवई डालना है, सेवई को थोड़ी देर भूनना है। मीडियम करके भूनते हैं, लगातार चलाते रहना है, वरना क्या होगा कि सेवई हमारी जल सकती है। सेवई की खुशबू आने लगी है, मीठी सी खुशबू आने लगी, तो आप समझिए कि आपकी सेवई जो है वो हो गई है। थोड़ी देर और लगेगी। अब इसमें हम शक्कर डाल देते हैं, शक्कर, सेवई और ड्राई फ्रूट सबको मिला के भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद ही इसमें पानी डालना है। अभी हम एक कप भर के, ये मग भर के पानी डाल देंगे। अब इसको जोश आने देना है, जोश आने के बाद में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये हमारी शक्कर जो है इसमें पूरी मेल्ट हो गई है और सेवई भी जो है सॉफ्ट हो गई है। अब क्या करते हैं, इसमें इसको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। दो मिनट हम ये उसको रोक देते हैं, ऐसे ही ठंडा होने देते, थोड़े नॉर्मल होने देते हैं। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि बहुत गर्म सेवई में दूध डालने से दूध फट जाता है, तो ये सब हमारे साथ हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको ठंडा होने देते हैं हल्का सा, उसके बाद में फिर दूध उसमें ऐड मिलाते हैं। ऐसे दूध हमारा जोश किया हुआ है और हमने उसकी मलाई हटा दी है, बाद में हम घोट के वो मलाई भी उसमें मिला देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर आपको दूध मिक्स करके बता दें। नाज़रीन, अभी ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हुआ है, 2 मिनट हो गए हैं। अब ये दूध हम इसमें मिला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैस की फ्लेम हमारी बंद ही है, अब ये थोड़ा मिला के हम इसको फिर स्लो पे रख देते हैं। धीरे धीरे ये जोश आएगा और फिर पकने देते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये शीरकुरमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब क्या करते हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इधर ढक के रखते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमने ये प्याले में निकाल लिया है। अब इसे गार्निश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमने ये शीरकुरमा यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही लजीज और बहुत अच्छा बना है, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मावे के, बहुत ही छोटे से कम अज़ा से ये जो है बनाया गया है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें और पेश की आप लोगों को मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।